स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लाइफ में, जहां मिलता है आपको ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है, और आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल से कि यह वीडियो किसके बारे में है। तो गूगल क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है MPSOS, ठीक है। क्या सर्च करना है? MPSOS। वैसे ये जो एडमिट कार्ड है आप MP ऑनलाइन से डायरेक्ट वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको MPSOS से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर MPSOS और इतना आपको सर्च करना है। आप चाहे तो इसके आगे MPSOS.NIC.IN भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा। जैसे ही आपको यहाँ पर नया पेज खुल कर आएगा, तो ये नया पेज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जो कि ओपन स्कूल वाला पेज है। और यहाँ से ही आपको अपना उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। एडमिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक दिख जाएगी, एक्सेलेंस एंड मॉडल स्कूल का एडमिट कार्ड क्लिक करने वाली। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर डाल देना है, वो एप्लीकेशन नंबर जो कि स्टूडेंट का फॉर्म भरते वक्त दिया गया था सर्वर की तरफ से या पोर्टल की तरफ से। तो वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर डाल देना है सिंपल सा। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है स्टूडेंट की। तो स्टूडेंट का जन्म दिनांक क्या है जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है। जन्म दिनांक डालने के बाद आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है सिंपल सा कैप्चा फिलअप कर देना है। इतनी ही बस प्रोसेस है। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में MPSOS सर्च करना है, और वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है। ओपन स्कूल एडमिट कार्ड लिखा हुआ है नीचे, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डाल देना है। तब जैसे ही कैप्चा डालेंगे, उसके बाद आपको एक लाल बटन दिख जाएगा कैप्चा के जस्ट पास में सर्च का, उस पर लिखा है लाल बटन पर सर्च। तो सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर डाला है, जो डेट ऑफ बर्थ डाली, उसके हिसाब से जो डिटेल है वो खुलकर आपके सामने आ जाएगी, जो कि कुछ इस प्रकार रहेगी। इसमें आपको स्टूडेंट का नाम वगैरह सब दिख जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो गया है, और आप इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो में।